विराट कोहली ने खुद ही T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, तो BCCI ने यह कहते हुए विराट कोहली को ODI की कैप्टनसी से हटा दिया कि व्हाइट बॉल गेम का एक ही कैप्टन होगा। लेकिन विराट कोहली ने अचानक ही टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। जी हां, उनके फैंस और फॉर्मर क्रिकेटर्स तक उनके इस डिसीजन से काफी हैरान है। माना जा रहा था कि विराट कोहली अगले 2-3 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में करते रहेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़नी पड़ गई? क्या साउथ अफ्रीका सीरीज हारने का दबाव था, या फिर बीते दिनों BCCI का रवैया जो उनके साथ रहा उसको लेकर वो दबाव में थे? आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अक्षित वैद्यान और आप देख रहे हैं क्रिक्टोडे टीवी। 16 सितंबर 2021 को विराट कोहली ने अनाउंस किया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे देंगे। अपने इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो ODI और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी पर फोकस करना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने RCB की कप्तानी छोड़ने का भी निर्णय ले लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं, बल्कि कहानी तो यहां से शुरू होती है। दरअसल BCCI ने विराट कोहली को अपने आप ही ODI की कप्तानी से इसके बाद हटा दिया था, जिसके बाद विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया था कि ODI की कप्तानी से हटाने के बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं विराट कोहली ने BCCI और सौरव गांगुली को लेकर एक बयान दे दिया। इस बयान में विराट कोहली ने कहा कि सौरव गांगुली या BCCI ने किसी ने भी उनसे स्टेप डाउन ना करने के लिए कभी बात ही नहीं की, जिसके बाद विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच लकीरें खींचती नजर आ गई थी। लेकिन सौरव गांगुली ने इस पर बयान देते हुए ये कहा कि वील डील विद इट इंटरनली, यानी कि हम इसे अपने अंदर ही सुलझा लेंगे। BCCI ने विराट कोहली को रिजाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस किया है या नहीं, इसका जवाब तो अभी तक किसी के पास नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स का दावा है कि BCCI ने विराट कोहली को 100वें टेस्ट मैच में कप्तानी करने का ऑफर भी दिया, लेकिन विराट कोहली ने इसे ठुकरा दिया। ऐसे में माना जा सकता है कि विराट कोहली और BCCI के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली और BCCI के बीच सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ भी ठीक नहीं है? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।